बैक फ्रेंड्स, दिस मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरिना। सो आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है और इसी के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सेल ऑर्गेनल है किसी भी यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो। इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उन्हीं नोट्स को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे कि हमें पता है, हम 10th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है, जैसे कि हमारे पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस होता है सेल का, एक तरीके से ब्रेन होता है। सारी जो एक्टिविटीज कंट्रोल की जाती हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा की जाती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट हम बोले सेल ऑर्गेनल है। अब न्यूक्लियस में ऐसा क्या होता है जो इसको स्पेशल बनाता है? तो सेल का जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, डीएनए जो होता है और हमारा आरएनए जो होता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, तो ये हमारा किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग भी होती है, जैसे कि हम बात करें रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इन द सेंस डीएनए का रेप्लिकेट होना, डीएनए से ही डीएनए का बनना इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन हमारा न्यूक्लियस में होता है। दूसरी चीज क्या, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन इन द सेंस डीएनए से एमआरएनए का बनना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी हमारे न्यूक्लियस में होती है। राइबोसोमल आरएनए बनता है, ये भी हमारा न्यूक्लियस में बनता है। न्यूक्लियोलस एक पार्ट होता है, राइबोसोम्स वहां पर हमारे बनते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम न्यूक्लियस के ही और ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि हमें पता है जो सेल्स होती हैं दो तरह की होती हैं, एक यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में एक मेन डिफरेंस क्या होता है, न्यूक्लियस का ही होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वेल डेवलप्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, अच्छे से डेवलप होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है इतने अच्छे से वेल डेवलप नहीं होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है न्यूक्लियस की। तो एक मेन डिफरेंस ये होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में। लेकिन हम जो आज बात करेंगे, हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अब सेल्स जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस एक भी प्रेजेंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकता है, और ऐसे भी सेल हो सकती हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही ना हो। तो जिस सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस सेल को हम बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। यूनि मीन्स एक और न्यूक्लिएटेड सेल। अब काफी सारी सेल्स ऐसी भी होती हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का पैरामीशिया। पैरामीशियम में क्या होते हैं, दो तरह की सेल पाई जाती है, एक को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरे को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, पैरामीशिया की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वेस्टिंग हो या फीडिंग का हो या फिर वाटर बैलेंसिंग का हो या हम बोले वेस्ट मटेरियल का रिमूवल हो, तो इन सबको जो कंट्रोल करता है, जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारे मैक्रो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं इट कंट्रोल एवरीडे फंक्शन ऑफ द पैरामीशिया। अब माइक्रो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे इन द सेंस पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये कंट्रोल किया जाता है माइक्रो न्यूक्लियस के द्वारा। हम एक एक्सेप्शनल पढ़ते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वेल डेवलप्ड। लेकिन जो ह्यूमन सेल में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज जो होती हैं, अगर मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा यूकैरियोटिक सेल है
जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो हमारा मैच्योर आरबीसी होता है। जो इमैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता चला जाता है तो उसमें न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है। अब इसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी क्या पोजिशन होती है, कहाँ पर सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इसके कोई एक एग्जैक्ट पोजीशन हम बोल नहीं सकते। हर सेल में एक एग्जैक्ट पोजीशन होती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर हम एम्ब्रियोनिक सेल की बात करें तो एम्ब्रियोनिक सेल में इनिशियली ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में जब एम्ब्रियोनिक सेल का डेवलपमेंट होता है, अच्छे से मैच्योर होता है, तो इसकी पोजिशन भी चेंज हो जाती है। एडिपोज सेल की अगर हम बात करें तो एडिपोज सेल में ये पेरिफेरल पोजीशन पर होता है, और अगर हम बात करें ग्लैंडुलर सेल की तो ये बेसल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बारे में क्या जान सकते हैं कि हम इसको कैरियन भी बोलते हैं। अगर आपने सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस में एक वर्ड सुना होगा कैरियोकाइनोसिस। कैरियोकाइनोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो इसमें कैरियोकाइनोसिस जो वर्ड है ही कैरियन से ही आया है। उसके बाद जो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1833 में, प्लांट सेल में इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। इसके बाद जो न्यूक्लियस का शेप है, हर किसी सेल में एक ही तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, हर सेल में अलग अलग शेप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिस्क शेप के भी न्यूक्लियस होते हैं, इसका एग्जांपल है फ्लैटेड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है। जो हमारी कॉलमनर सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो ओवॉइड शेप का होता है। व्हाइट ब्लड सेल में बायलोब्ड शेप होती है। वॉर्टिसिलिया जो होती है उसमें सी शेप के हमें हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम में किडनी शेप के हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं न्यूक्लियस की मेन टॉपिक पर, दैट मींस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस में का अगर हमें स्ट्रक्चर पढ़ना होता है तो जीनोट फेज में जब हम देखते हैं माइटोसिस के, तो मेजरली हमें ये ऑर्गेनेल हम बोले न्यूक्लियस के देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं ये, न्यूक्लियर एनवलप जो बाहर की आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद न्यूक्लियोलस होता है, देन न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में एक एक करके अच्छे से जानेंगे। हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। जैसे कि हमें पता है ये सेल होती है हमारी, अगर हम बात करें सेल की भी दो मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से, इसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस भी हमारा बाई लेयर होता है, यानी कि दो लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो अंदर वाली लेयर को हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, बाहर वाली लेयर को हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है, इसी से ही अटैच हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि सेल का एक और अदर सेल ऑर्गेनेल है। तो हम ये कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेयर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर होता है, दोनों अटैच होते हैं, या हम बोले एक ही होते हैं, जिसकी वजह से दोनों का मेटाबॉलिक प्रोसेस भी लगभग सेम ही होता है, यानी कि एक ही तरह से काम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। यानी कि जो हमारी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस होता है, इसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। अब न्यूक्लियर पोर क्या है, जैसे कि हमें पता है अगर हम एक आइडियल शेप लेके चले न्यूक्लियस का, एक स्फेरिकल शेप लेके चले, तो स्फेरिकल शेप में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी बना, जैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए से फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, एमआरएनए बना। अब वो जो एमआरएनए है, एमआरएनए से आगे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से मतलब क्या है, प्रोटीन बनेगी एमआरएनए से। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब एमआरएनए को कहाँ जाना है, साइटोप्लाज्म में जाना है, तो एक कोई गेट चाहिए होगा, कोई चैनल चाहिए होगा जिसके थ्रू ये ट्रांसफर हो सके। तो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं पूरे हमारे न्यूक्लियर एनवलप पे।
जिसकी मदद से क्या होता है, अंदर का मटेरियल बाहर जा सकता है और बाहर का मटेरियल अंदर भी आ सकता है। तो इसीलिए न्यूक्लियर पोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी न्यूक्लियर एनवलप में होने के लिए। अब इसके बारे में क्या है कि इट कंटेन लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होती हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इसके बाद न्यूक्लियर पोर के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो कैलन और टॉमलिन ने बताया था, इन्होंने एम्फीबियन के ऊसाइट में सब फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर पोर को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद न्यूक्लियर पोरिन क्या होता है, न्यूक्लियर पोर जिस प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं उसको हम न्यूक्लियर पोरीन बोल। कंपोनेंट है हमारा न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है हमारे जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसी के साथ इसको हम न्यूक्लियर स्कैफोल्ड भी बोलते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मेन जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना किस तरीके से होता है, मान लीजिए अगर हम बात करें, ये हमारा न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन है इस तरीके से, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन अगर हम बोले, तो ये बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, यहां पर न्यूक्लियर मैट्रिक्स या हम बोले न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर हम बोले ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट और ये न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट, ये एक पोर की बात कर रहे हैं हम, ये यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियर पोर है जहां से ट्रांसफर होते हैं मटेरियल्स। अब उसके बाद अगर मैं लैमिना की बात करूं तो लैमिना हमारा किस तरीके का होता है, लैमिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट का नेटवर्क होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन जो कि हम सेल ऑर्गेनेल में आगे पढ़ेंगे डिटेल में इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में, जो प्रेजेंट होता है जस्ट बीनीथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट जो ये होता है, या हम बोले न्यूक्लियर लैमिना जो होता है, ये एक तरह के प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसको हम लैमिन बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे न्यूक्लियर एनवलप को। ये जो न्यूक्लियर लैमिना है इसका फंक्शन आपको ध्यान रहना चाहिए, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, किस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगले हम कंपोनेंट की बात करें तो ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एफ फोंटाना ने। इसके बाद ये नॉन मेम्ब्रेन बॉडी है, यानी कि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, हम पढ़ते हैं पहला फेज आता है प्रोफेज, जिसमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है और जो न्यूक्लियर के न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हम बात करें प्रोफेज के दौरान ये डिसअपेयर हो जाती है, और जब टेलोफेज यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बननी शुरू हो जाती है तो उसके दौरान टेलोफेज में ये दोबारा से रीअपियर हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं तो ये डिपेंड करता है सेल के टाइप पे। जैसे कि हम बात करें जो हमारा यीस्ट का सेल होता है, एक न्यूक्लियाई में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम बात करें जीनोफस के उस साइड की न्यूक्लियस में तो एक न्यूक्लियस में 1000 या 1000 से ज्यादा भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन जो होता है ये है कि ये राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, साइट है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए की। उसके बाद असेंबली ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम की असेंबली भी करवाता है, एंड क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं राइबोसोम के सब यूनिट्स बनते तो उसकी असेंबली भी करवाता है। उसके बाद है इट ऑल्सो प्रोड्यूस सम टाइप्स ऑफ एमआरएनए, कुछ तरह के एमआरएनए को भी ये प्रोड्यूस कर।
करता है। ये इसके कुछ मेन फंक्शन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है, ये जो रेड बाउंड्री है ये इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि मैंने साफ साफ बताया कि ये नॉन मेम्ब्रेन बॉडी होती है। तो ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन इसमें भी दो तरह का है, जैसे कि पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो हमें बाहर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से अंदर भी है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन। अब उसके बाद ये हमें ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम फिब्रिल्स बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, इट कंटेन आरएनए एंड आल्सो इट इज अ प्रकर्सर ऑफ ग्रेन्यूल्स। अब ब्लैक ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है ये ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स में आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि ग्रेन्यूल्स में आरएनए और प्रोटीन जो होते हैं 2:1 की कंसंट्रेशन में या फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन के बारे में, क्रोमेटिन क्या होता है, अगर हम बात करें क्रोमेटिन, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब एक ही चीज होती हैं, बस जैसे जैसे इनका स्ट्रक्चर बदलता चलता है इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल से मतलब जो हमारा डीएनए होता है नॉन डिवाइडिंग सेल में, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब सेल डिवाइड होता है तो उस टाइम क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है और एक हमारा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन इस तरीके से बिखरा हुआ होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तो ये जो क्रोमेटिन होता है कंडेंस होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से ये काफी कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम बोल देते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन होता है ये क्रोमेटिन डीएनए का ही फॉर्म होता है। डीएनए की जब पैकेजिंग हो जाती है कुछ प्रोटीन्स के साथ, जिसको हम स्टोन प्रोटीन बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में हम डीएनए पैकेजिंग जब पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से जानेंगे। तो डीएनए की जब पैकेजिंग होती है क्रोमेटिन बनता है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो क्रोमेटिन होता है ये हमारा इस कंडेंस फॉर्म में आ जाता है। अगर आपको डिफरेंस जानना हो क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए के बारे में अच्छे से, तो मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो अब ये जो हमारा क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन दो तरीके के होते हैं, यानी कि इसके जो रीजन होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो वो हम बोले क्रोमेटिन का वो रीजन जो बहुत टाइटली पैक्ड होता है उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, और जो थोड़ा लूज तरीके से पैक होता है उसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। अगर हम इसमें ही एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ये है हमारा क्रोमोजोम, ये यहाँ से जैसे बहुत टाइटली पैक है, फिर यहाँ से ढीला पैक है, तो ये जो रीजन है ये हमारा हेटेरोक्रोमेटिन है और ये जो रीजन है ये हमारा यूक्रोमेटिन होता है। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शनली हेटेरोक्रोमेटिन साइलेंट होता है और जो यूक्रोमेटिन होता है ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन करता है। कहने का क्या मतलब है कि हेटेरोक्रोमेटिन इतना टाइटली पैक्ड होता है कि ये एमआरएनए बना ही नहीं सकता है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये जो यूक्रोमेटिन होता है ये एक्टिव फॉर्म में होता है, इसी से ही ट्रांसक्रिप्शन होता है हमारा, यानी कि जो पोर्शन होता है डीएनए का इसी से ही हमारा एमआरएनए बनता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है हमारा हेटेरो और यूक्रोमेटिन में। इस बात क्रोमोसोम में और भी काफी सारे रीजन होते हैं, टिलोमेयर है, काइनेटोकोर है, ये हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर जानेंगे। अभी फिलहाल इसमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में इसको इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे ही और वीडियोस के लिए, जिसमें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द बायोसाइंस अरीना के नाम से ही मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर ऐसे ही काफी सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोज और पोस्ट में करती रहती हूँ।